आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो खाने में तो स्वादिष्ट है ही और मौसम के हिसाब से जब आप बनाएं और इसे किसी भी समय आप खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसाला बीट फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का की कचौड़ी। खाने में बहुत टेस्टी होती है और सर्दियों का मौसम है और मक्का खूब आ रही है और हमें मक्का का इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हरी मिर्च है, धनिया है और पुदीना है, तो मैं इसे जार में डाल लेती हूँ पीसने के लिए। और इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और पहले इसे हम पीस लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ। मैं आपने देखा खटाई का इस्तेमाल नहीं किया, मैं दही डाल रही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया सी दही वाली हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और हम जो है इसको एक बाउल में लौट लेंगे। देखिए अब हमने लिया है गेहूं का आटा और यह है मक्का का आटा और यह हमने लिए हैं 3-4 आलू जो मीडियम साइज के थे, उन्हें कस लिया है। आप देख रहे होंगे कि सबकी क्वांटिटी एक सी ही है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करें। देखिए हम डाल देते हैं ये मक्का का आटा, साथ में हम डालेंगे ये आटा सादा वाला और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये बाइंडिंग के लिए आलू और हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच हींग और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। देखिए हम इसमें 1/2 चम्मच लगभग धनिया डालेंगे और इतना ही हम इसमें सौंफ डाल रहे हैं ये देखें, और हम डालेंगे इतना ही 1/2 चम्मच लगभग ही ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। और हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी इतना ही 1/2 चम्मच लगभग डाल रहे हैं और हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें खटाई और साथ में स्वाद के हिसाब से आप इसमें डाल दें नमक, तो हम इसमें नमक भी डाल देते हैं दोस्तों। और अब हम इसे सबको मिला लेते हैं, तो आप इसे अच्छे से मिला लें ऐसे पहले और उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। जितने पानी की ज़रूरत होगी बस उतना ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। देखिए हमने ये सब मिला लिया एक साथ और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे माड़ेंगे इस तरीके से। एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। देखिए कितना बढ़िया डो हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे इस तरह और फिर इसे बेलेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा रिफाइंड लगा लिया और अब हम इसे बेल रहे हैं। आप रिफाइंड ना लगाना चाहें तो आटा भी लगा के बेल सकते हैं, लेकिन जब हम आटा लगा के बेलते हैं ना दोस्तों तो क्या होता है हमारे रिफाइंड में आटा सारा छूट जाता है और रिफाइंड हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। और यदि आप रिफाइंड लगा के इसको बेलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, रिफाइंड हमारा बिल्कुल अगली रेसिपी के लिए सही रहेगा। ये देखें इस तरीके से आप बेल लीजिए, लीजिए बेल गई है और अब हम इसे तल लेते हैं। देखिए रिफाइंड गर्म है हमारा, हम इसमें डाल देते हैं। बहुत तेज गरम मत कीजिएगा, हमने पलट दिया इसको, क्योंकि ये मक्का की है कचौड़ी तो कोई ज़रूरी नहीं है फूले ही, लेकिन करारी और बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। इसे हम फिर पलट देते हैं एक बार, ये लीजिए फूल भी गई है, ये देख। और ये बहुत पतली नहीं बेलेगी क्योंकि आप बेल ही नहीं पाएंगे बहुत पतली, ये देख। अब हम इसे उतार लेते हैं और दूसरी बेल लेते हैं। दोस्तों हमारी बहुत ही टेस्टी मक्का की कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे सर्व कर रहे हैं आलू की सब्जी और दही की चटनी के साथ। दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कर जरूर करें। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।